नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। देश का मुखिया कौन है, मैं आज बात यूपी के सबसे विकसित, सबसे सिस्टमैटिक व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधि वाले संसदीय क्षेत्र की होगी। ये वो चुनावी क्षेत्र है जो पूरे प्रदेश के विकास को प्रतिबिंबित करता है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का इस क्षेत्र की पहचान राजनीति से ज्यादा औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों के लिए है। इसलिए ये सीट वीआईपी नहीं वीवीआईपी हो जाती है। क्या है इसका इतिहास और क्या है इसका भूगोल और क्यों ये सीट आखिर इतनी महत्वपूर्ण है, देखिए इस रिपोर्ट में। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र का रण, वीवीआईपी सीट का पूरा हाल हिसाब, व्यापारिक औद्योगिक और क्या राजनीतिक महत्व, सामाजिक संरचना और जातीय समीकरण, किसको शिकस्त, किसका रहा है गढ़। गंगा यमुना के बीच प्रदेश का मुख्य औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र मैं गौतम बुद्ध नगर हूँ। मुझे नोएडा भी कहा जाता है। नोएडा यानी नवीन ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। जिले के रूप में मेरी स्थापना 9 जून 1997 को हुई। बुलंदशहर और गाजियाबाद के कुछ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को काटकर मुझे गौतम बुद्ध नगर जिले के रूप में मान्यता दी गई। मैं प्राचीन के साथ प्रसिद्ध भी हूँ। ऐतिहासिक दृष्टि से मेरे यहाँ का दनकौर, बिसरख, रामपुर, जागीर और नलगड़ा गांव कई कई महत्वपूर्ण तथ्य संजोए हुए हैं। दनकौर में द्रोणाचार्य तथा बिसरख में रावण के पिता विश्वेश्वरा ऋषि का प्राचीन मंदिर आज भी है। ग्रेटर नोएडा स्थित रामपुर जागीर गांव में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साल 1919 में मैनपुरी षड्यंत्र के बाद फरार प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल भूमिगत होकर कुछ समय के लिए रहे थे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित नलगड़ा गांव में भगत सिंह ने भूमिगत रहते हुए कई बम परीक्षण किए थे। वहां आज भी एक बहुत बड़ा पत्थर सुरक्षित रखा हुआ है। आज मुझे नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे व्यावसायिक उप महानगर शामिल हो चुके हैं। दादरी क्षेत्र भी मेरा हिस्सा है, वो दादरी जहाँ की जनता ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में काफी योगदान दिया था। दादरी के राव उमराव सिंह समेत आसपास के 84 लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बुलंदशहर से लेकर लाल कुएं तक के बीच के हिस्से में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन की नाक में दम कर दिया था, जिस पर अंग्रेजों ने राव उमराव सिंह समेत क्षेत्र के 84 क्रांतिकारियों को बुलंदशहर के काला आम पर फांसी लगाई थी। शहीदों की याद में दादरी तहसील परिसर में आज भी शहीद स्तंभ मौजूद है। लोकसभा क्षेत्र के तौर पर मुझे 2009 में मान्यता मिली। इससे पहले मैं खुर्जा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। मेरे इतिहास के साथ संसदीय इतिहास भी सुनहरा रहा है। खुर्जा लोकसभा क्षेत्र के तौर पर मेरे यहाँ 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कन्हैया लाल वाल्मीकि ने चुनाव जीता। 1957 के चुनाव में भी मेरे मतदाताओं का भरोसा उन पर कायम रहा और वो दूसरी बार चुनाव जीते। 1967 में मेरे मतदाता कांग्रेस से बागी हुए और सोशलिस्टों के साथ हो लिए। इस चुनाव में मेरे यहाँ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर रामचरण शुक्ला ने जीत हासिल की। 1971 में कांग्रेस मेरे यहाँ एक बार फिर वापसी करी। इस बार कांग्रेस की टिकट पर हरि सिंह वाल्मीकि ने चुनाव जीता। साल 1975 में आपातकाल के बाद जब कांग्रेस के खिलाफ लहर में मेरे यहाँ के मतदाता जनता पार्टी के साथ गए और इस बार मेरे मतदाताओं ने जनता पार्टी के मोहनलाल पिप्पल को अपना सांसद चुना। 1980 में कांग्रेस लहर के बावजूद मेरे मतदाताओं ने सोशलिस्टों का साथ नहीं छोड़ा। इस बार चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल से त्रिलोक चंद चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1984 के चुनाव में भी कांग्रेस का दबदबा था। कांग्रेस की इस लहर में मेरे मतदाताओं ने कांग्रेस को एक बार फिर मौका दिया। इस बार कांग्रेस के वीर सेन चुनाव जीतने और राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए। 1984 के बाद से कांग्रेस मेरे यहाँ कभी वापसी नहीं कर पाई। 1989 के चुनाव में यहाँ जनता दल के टिकट पर भगवान दास राठौर सांसद निर्वाचित हुए। 1991 में राम लहर के बावजूद जनता दल के रोशन लाल मेरे यहाँ चुनाव जीतने में कामयाब रहे। राम लहर ही के दौरान हुए 1996 में लोकसभा चुनाव में मेरे यहाँ बीजेपी ने पहली बार खाता खोला। इस बार मेरे यहाँ बीजेपी के अशोक प्रधान ने जीत हासिल की। इसके बाद मैं अशोक प्रधान और बीजेपी का गढ़ बन गया। अशोक प्रधान ने मेरे यहाँ जीत का चौका लगाया। 1996 के बाद उन्होंने 1998, 1999 और साल 2004 में भी जीत दर्ज कराई। 2009 में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के तौर पर मेरे यहाँ पहला चुनाव हुआ। इस चुनाव में मेरे यहाँ सपा ने अशोक प्रधान का किला ध्वस्त कर जीत हासिल की और सपा के सुरेंद्र सिंह नागर मेरे यहाँ पहले सांसद बने। 2014 की मोदी लहर में मेरे यहाँ बीजेपी ने एक बार फिर वापसी की। इस बार मेरे यहाँ बीजेपी के महेश शर्मा सांसद बने और मोदी मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए। 2019 में वो दूसरी बार मेरे सांसद बने।
और मौजूदा वक्त में वो मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1962 के बाद से अब तक मेरे क्षेत्र में हुए कुल 15 लोकसभा चुनाव में यहाँ 6 बार बीजेपी ने चुनाव जीता है, जबकि 3 बार कांग्रेस और 6 बार सोशलिस्ट दलों ने चुनाव जीता है। NCR में होने के नाते मैं देश की राजधानी के बहुत करीब हूँ, इसलिए मैं काफी महत्वपूर्ण हूँ। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक मेरे यहाँ की कुल आबादी 16,48,115 है। इनमें 8,90,214 पुरुष और 7,57,901 महिलाएं हैं। मेरी साक्षरता दर 80% से ज्यादा है। मेरे यहाँ करीब 89% पुरुष साक्षर हैं, जबकि महिलाएं 71% साक्षर हैं। यूपी के लिंगानुपात 912 के मुकाबले मेरे यहाँ 1,000 पुरुषों पर 851 महिलाएं हैं। मेरे यहाँ 22,41,006 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 12,32,531 हैं, जबकि 10,08,475 महिला मतदाता हैं। वहीं अन्य श्रेणी के मतदाता मेरे यहाँ 228 हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में यूपी विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इनमें नोएडा, दादरी, जेवर, खुर्जा और सिकंदराबाद शामिल हैं। इनमें से सिकंदराबाद और खुर्जा बुलंदशहर जिले में आती है, जबकि बाकी 3 गौतम बुद्ध नगर की सीटें हैं। इनमें से खुर्जा सुरक्षित सीट है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मेरी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। नोएडा से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र बीजेपी के विधायक हैं, दादरी से बीजेपी के तेजपाल नागर और जेवर से बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं। बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट से बीजेपी की लक्ष्मीराज सिंह और खुर्जा सुरक्षित सीट से बीजेपी की मीनाक्षी सिंह विधायक हैं। मेरे यहाँ सपा बसपा और कांग्रेस खाता तक नहीं खोल सके थे। मेरा क्षेत्र शुरू से किसी का गढ़ नहीं रहा, न ही मेरे यहाँ जल्दी किसी लहर का असर होता है। यही वजह है जब कांग्रेस का दबदबा पूरे देश में था तो मेरे यहाँ सोशलिस्ट दल बाजी मारते थे। राम लहर के बाद जब बीजेपी का दौर थमा, उसके बावजूद मेरे यहाँ बीजेपी जीतती रही। मेरे यहाँ के जातीय समीकरण भी काफी उलझे हुए हैं। बात अगर मेरे जातीय समीकरणों की करें तो मेरे यहाँ 84% हिंदू है और 13% मुस्लिम है। मेरे करीब 23 लाख वोटर्स में से करीब 16 लाख वोटर गाँव में रहते हैं। इनमें ठाकुर वोटर 4 से 4.5 लाख के करीब है। ब्राह्मण वोटरों की तादाद करीब 4 लाख है। वहीं मुस्लिम, गुर्जर और दलित 3.5-3 लाख के करीब है। अन्य OBC वोटर यहाँ 3 लाख के करीब। मेरे यहाँ ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता ही निर्णायक है। हालांकि दलित और मुस्लिम मिलकर किसी का भी खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। फिलहाल मेरा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। 2014 से लगातार 2 बार यहां से बीजेपी जीतती आ रही है और लगातार 2 बार से बीजेपी के महेश शर्मा सांसद हैं। 2014 में मेरे यहां 60% मतदान ही हुआ था। इसमें भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेश शर्मा ने 5,99,702 वोट हासिल किए थे, जो कुल मतदान का 50% था। दूसरे नंबर पर सपा रही थी। सपा उम्मीदवार नरेंद्र भाटी को कुल 3,19,490 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर 27% रहा था। इस तरह सपा उम्मीदवार की 2,80,000 से ज्यादा वोटों से हार हुई थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार को 1,98,237 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस इस चुनाव में मेरे यहाँ 5वें नंबर पर रही थी। 2019 में भी मेरे मतदाताओं का भरोसा बीजेपी और महेश शर्मा पर बना रहा। मोदी लहर में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद बीजेपी ने पहले के मुकाबले और बड़ी जीत हासिल की। इस बार महेश शर्मा ने 3,36,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। इस चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद 8,30,812 वोट मिले, जो कुल मतदान का करीब 60% था। वहीं सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार बसपा के सतवीर नागर को 4,93,890 वोट मिले, जो कुल मतदान का करीब 36% था। कांग्रेस के डॉक्टर अरविंद सिंह 3रे नंबर पर आए थे, जिन्हें महज 42,000 वोट ही मिले थे। पिछले 2 चुनावों से बीजेपी को मिलने वाले वोटों की बढ़त से साफ है कि यह सीट फिलहाल बीजेपी का मजबूत किला बना है। देखना यह है कि बीजेपी इस किले को 2024 में बनाए रख पाती है या विपक्षी दल इस सीट पर कोई गुल खिलाते हैं। नतीजा जो भी हो, लेकिन यह तय है कि यहां मुकाबला दिलचस्प ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो दिल्ली से सटी इस लोकसभा सीट में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल ये सीट बीजेपी के पास है। ऐसे में इंडिया गठबंधन आखिर किस तरीके से यहाँ पर समीकरण साधता है और बीजेपी का ये किला किस तरीके से विपक्षी दल फतह करने की कोशिश करता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।